पी चिदंबरम गिरफ्तार हो गए हैं, आपको ये जानकारी हम दे दें। अभी तक उनसे पूछताछ चल रही थी, एक कमरे में मौजूद थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनके साथ, वहां पर उस कमरे में मौजूद थे, और अब उनकी औपचारिक गिरफ्तारी हो गई है। मौसमी, जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से चिदंबरम को एक कमरे में ले गए हैं, और ये अभी अपडेट आई है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट मेमो दिया गया है चिदंबरम को। ये बड़ी खबर आ रही है और उनको कल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पहले चिदंबरम को हिरासत में लिया गया था और अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट मेमो जो होता है औपचारिक तौर पर सीबीआई देती है, जिसको गिरफ्तार करती है, कमरे में ले गई है सीबीआई, और उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने वो अरेस्ट मेमो दे दिया है चिदंबरम को। एक तरीके से पूरा अगर आप देखें तो सीबीआई दफ्तर के बाहर जबरदस्त पहराबंदी है, कोई प्रदर्शन ना हो इस पर सीबीआई जो है बिल्कुल सतर्क है, और दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। सीबीआई ने अरेस्ट मेमो दे दिया है पी चिदंबरम को, और कल नियम के अनुसार उनको सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्वेता, हमारे साथ मुनीश पांडे भी हमारे इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। मुनीश ने ही सबसे पहले ये जानकारी हमें दी, हम आपको बता दें। मुनीश, कल पेशी उनकी, आज पूरी रात सीबीआई मुख्यालय में ही? जी बिल्कुल, सीबीआई दफ्तर पहुंचने के तुरंत बाद पी चिदंबरम को एक कमरे में लेकर जाया गया। वहां पर जो केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, जांच अधिकारी है जी पार्थसारथी, वो उनसे मिले, और उसके बाद में जो बाकी के अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे। जब उनके घर से उनको लेकर आई थी सीबीआई, तो उन्हें बताया था कि फिलहाल के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि इस मामले की जांच के लिए उनकी जरूरत है। और यहां पर जैसे ही सीबीआई लेकर आती है, थोड़ी ही देर बाद उन्हें अरेस्ट मेमो दिया जाता है, यानी कि आधिकारिक तौर पर अब पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हो चुकी है। रात में यह हो सकता है कि उन्हें मेडिकल के लिए एक बार अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। मेडिकल जांच कभी भी कोर्ट में पेश करने के पहले जरूरी होती है, तो रात में मेडिकल कराया जाएगा और कल सीबीआई उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेगी और 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता पी चिदंबरम को बताया है। जी, अब वो जमानत अर्जी क्या निचली अदालत में दाखिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अब एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगानी थी, उसका कोई हुक्म नहीं रहेगा, वो निराधार हो चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ निचली अदालत में पहले बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो अमूमन बाकी मामलों में हमने देखा है, पहले गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद में कस्टडी मिलेगी। और इसमें श्वेता ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि दो एजेंसियां हैं, जैसे ही सीबीआई की कस्टडी पूरी होगी ईडी गिरफ्तार कर लेगी, और दोनों ही एजेंसियां इस मामले में 14 दिन की पुलिस रिमांड, माना जा सकता है कि कुल मिलाकर 28 कस्टडी में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही जब उनको न्यायिक हिरासत मिलेगी, उसके बाद ही उनको बेल मिलेगी इस मामले में। जी शुक्रिया मुनीश, मुनीश इस जानकारी के लिए। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं, अहम जानकारी है। गिरफ्तार कर लिया गया है पी चिदंबरम को, पूरी रात उनकी बीतेगी सीबीआई मुख्यालय में ही, और इसके अलावा कल उनकी पेशी होगी। जमानत याचिका वो दाखिल अब कर सकते हैं, लेकिन एक निचली अदालत में अभी तक सुप्रीम कोर्ट जाने की जो तैयारी हो रही थी, अब उसका कोई फायदा नहीं रह गया है। पी चिदंबरम को ईडी को के भी हिरासत का, इसके बाद यानी पहले सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, 14 दिन की हिरासत की मांग की जाएगी, और उसके बाद आगे ये सब कुछ होगा। अब जिस तरह से ये पूरी परिस्थिति है जावेद जी, उसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली है, इससे पहले भी देखने के लिए मिली है। लेकिन जो संबित भी कह रहे हैं कि नहीं देखिए सीबीआई ने किया, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी, सीबीआई को तो इनके समय में भी पिंजरे का तोता ही कहा जाता था। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है इंदिरा गांधी जब जेल गई थी, वो 12 वेलिंगटन क्रेसेंट से, तब भी ऐसा हुआ था। लेकिन रीसेंट मेमोरी में ऐसे कोई इतने हाई प्रोफाइल नेता, इतने सीनियर नेता किसको इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं देखी गई है, क्योंकि ये एक पॉलिटिशियन है तो थोड़ी बहुत राजनीति इसमें होना ज़रूरी है। कांग्रेस, अगर राजनीति नहीं होती तो मुझे आश्चर्य होता, कांग्रेस और बीजेपी और सरकार दोनों के लिए ये एक परसेप्शन बैटल है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हमारे खिलाफ बदले की राजनीति हो रही है, बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो लोग हैं जिनके ऊपर केस है, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जहां हम लोगों का सवाल है, जैसे मिस्टर चिदंबरम ने अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की कि हमारे खिलाफ तो FIR में भी कुछ नहीं है, ना मेरे खिलाफ, ना मेरी फैमिली के खिलाफ, और ना ही कोई रॉन्ग डूइंग हमारे खिलाफ एस्टैब्लिश हुई है। तो वो अपने को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमसे लोग बदला लेना चाहते हैं इसलिए हमारे खिलाफ ये एक्शन हो रहा है।